फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में और मैं हूँ आप सबकी दोस्त डिम्पल। इस वीडियो में स्पेशली मैं अपने सारे फ्रेंड्स को तो हेलो नमस्कार आदाब बोलना ही चाहूँगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वीडियो मेरी आज की वो है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगी हेलो एंड बी रिलैक्स्ड, क्योंकि मुझे पता है बहुत टफ टाइम चल रहा है, बहुत टेंशन में है आप लोग, बहुत नर्वस और टेंशन होगी, हैक्टिक आपका मंथ चल रहा है पूरा, बिकॉज ये 10th 12th के बोर्ड्स चल रहे हैं। तो मेरी ये वीडियो मैंने आज स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है ताकि मैं ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्स्ड कर सकूं और कुछ आपको टिप्स दे सकूं जिससे कि आप रिलैक्स तो हो ही जाएं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं इस वीडियो में आपको डूज एंड डोंट्स बताने वाली हूँ। अगर ये आप फॉलो करते हैं तो बिलीव मी आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे और बहुत अच्छे से अपना सिलेबस कवर अप कर पाएंगे। तो डूज एंड डोंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे डूज़ की, कि आपको करना क्या है, सिर्फ 5 चीज़ें और जिससे कि आप अपना रिजल्ट टॉप में लेके आ सकते हैं और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये डूज आपको करने क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट वन फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट जो हम हर क्लास में बचपन से आज तक करते आए हैं और हमारे पेरेंट्स हमेशा करने के लिए कहते हैं, वही हमें इस साल भी करना है, मतलब ये अंतिम एक महीने में भी करना है, लेकिन हमें ये स्ट्रिक्टली करना है। ये है क्या, टाइम टेबल। ये सबको टाइम टेबल बनाना है और बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाना है। मैं टाइम टेबल के लिए आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हम बना लेते हैं बहुत ईजीली, कि सुबह 8 बजे उठना है, इतने बजे पढ़ने बैठना है, इतने बजे से इतने बजे तक टीवी देखनी है, बट सिर्फ आपको अपने सेटिस्फेक्शन के लिए टाइम टेबल नहीं बनाना है। मेक इट क्लियर, आपको बिल्कुल भी अपने सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं बनाना है कि मुझे पढ़ना है, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम है, इसलिए मैं इतने से इतने बजे तक पढ़ूंगा। आप वो टाइम टेबल बनाइए जो आपको लगता है कि आप फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज क्या होता है, वी मेक अ टाइम टेबल लेकिन हम उसको फॉलो कर ही नहीं पाते। जेन्युइनली जो आप फॉलो कर सकते हैं, आपको लगता है आप भले कम टाइम दीजिए स्टडी को, कोई इशू नहीं है, बट वो टाइम जो स्ट्रिक्टली आप बैठ सके, जेन्युइनली आपके पास वो टाइम पढ़ाई के लिए आप पूरा ध्यान लगा सके और उस टाइम में बिल्कुल आपकी कोई और चीज़ पे अट्रैक्शन नहीं जाए कि आपका सीरियल आ रहा है, कोई आपका कार्टून शो आ रहा है, जो भी मतलब आप शोज देखते हैं, रियलिटी शोज आपको पसंद है, वो टाइमिंग नहीं होने चाहिए पढ़ाई के। तो टाइम टेबल ऐसा सेट कीजिए जो आप जेन्युइनली फॉलो कर सकें। कम टाइम रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा हैक्टिक मत बनाइए उसको। आप हैक्टिक बनाएंगे उस शेड्यूल को तो क्या होगा, आप जो पढ़ाई करने का टाइम है वो भी नहीं कर पाएंगे, इससे आपका कोर्स भी छूटेगा एंड आपके सिलेबस पे भी इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा, कि जहाँ आप 1 घंटे अच्छे से पढ़ सकते थे लेकिन आपने 3 घंटे का टाइम पढ़ाई के लिए डाल दिया, तो आप वो 1 घंटा भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और लगा रहेगा। तो टाइम टेबल अच्छा सा बनाइए जिस जेन्युइनली कि आपको करना ही करना है, सिर्फ किसी के पेरेंट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए मत बनाइए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मत बनाइए, अपने सिलेबस को कम्प्लीट करने के लिए बनाइए। ओके, तो ये हो गया हमारी फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी है। सेकंड नंबर 2, आपको क्या करना है, अभी आपका सिलेबस जैसे 6 चैप्टर्स आर कमिंग ऑन योर सिलेबस इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, तो आपको उनमें से अगर आपको 5 याद हैं तो ट्राई टू रिवाइज देम फर्स्ट इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ न्यू चैप्टर। आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये जो अभी आपके पास टाइम पीरियड बचा है, ये क्रूशल टाइम पीरियड है, इसमें आपको वो 5 चैप्टर कवर अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप वो 1 चैप्टर लर्न करने बैठेंगे तो हो सकता है आपका टाइम निकल जाए, जो आपको याद थे वो भी आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, एंड एज आप ये फ्रेशली लर्न करेंगे तो ये भी आपको अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि इससे तो आपने कभी रिवाइज किया ही नहीं है। तो अवॉइड कीजिए, अगर आपके पास टाइम बचता है बाद में तो आप ज़रूर लर्न कीजिए, लेकिन पहले अपने लर्न चैप्टर को रिवाइज कीजिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ न्यू चैप्टर्स। सो अवॉइड टेकिंग अ न्यू टॉपिक्स टू लर्न और कवर अप।
ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड डोज। अब हम बात करते हैं थर्ड चीज जो हमें करनी है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एंड दैट इज आपकी जितनी भी लीव्स हैं, एज सपोज 11th इज योर एग्जाम एंड आफ्टर दैट यू हैव अ एग्जाम ऑन 14th, ठीक है। आपका 11th मार्च को एग्जाम है, अब नेक्स्ट एग्जाम आपको 14th मार्च को है, आपके पास इस बीच में 2 days का हॉलीडे है एंड 11th भी आपके पास होगा एग्जाम के बाद। तो इन 2 दिनों में और 11th हाफ डे में आपको करना क्या है, जो भी आपका 14th को एग्जाम है, सपोज यू हैव अ एग्जाम ऑफ इंग्लिश एंड देर आर कमिंग देर आर 9 chapters, ठीक है, इन सिलेबस, तो आप उस सिलेबस को इन 3 days में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है, और सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कीजिए, बट फर्स्ट 2 days जो है अपने ज़्यादा चैप्टर्स रखिए ताकि लास्ट डे आपका सेल्फ रिविजन पोर्शन रहे। और क्या होता है, हम हमेशा ये करते हैं कि एग्ज़ाम से आने के बाद या हमारा फर्स्ट डे तो हमेशा ऐसा ही होता है कि कल छुट्टी है, कल अभी 2 दिन बचे तो हैं, तो हमें अगर आज हमने 3 chapters रखे हैं तो हम 2 ही करेंगे, एक हम कल कर लेंगे, तो इससे हमें लास्ट डे में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आप फर्स्ट 2 days में रखें ताकि थर्ड डे में अगर कुछ रह भी जाए, अगर आप पहले 2 दिन लेजीनेस करके कुछ छोड़ भी देते हैं तो आप थर्ड डे में कवर अप कर सकें। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें, जो भी आपको टाइम पीरियड मिला है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लीव जो होती हैं उसमें, उसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए एंड लास्ट डे है उसके लिए कम से कम सिलेबस रखिए। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ चीज़ की जो हमें करनी है एग्ज़ाम बोर्ड में अच्छे अच्छे नंबर लाने के लिए, वो है, आप सब मेरे से पूरी तरह सहमत होंगे, बिल्कुल एग्री करेंगे कि सबसे ज़्यादा हमें नींद तब आती है जब हम पढ़ने बैठते हैं, एंड इसमें कोई शक नहीं है, इसका तो मतलब किसी को गलत भी नहीं कह सकते, ऐसा सबके साथ होता है, इवन विद मी इट हैपेंस, अभी भी मैं कुछ पढ़ने बैठती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा स्लीपी फील करती हूँ, तो हमें, और ये बेसिकली अभी जो बोर्ड स्टूडेंट हैं उनके साथ होता क्यों है, लेजीनेस की एक सबसे बड़ी वजह है हमारा डर। स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो हमेशा ये सोचते हैं स्टार्टिंग डेज में कि इतना हम कल कर लेंगे, फिर ये डेज जो हैं वो कम होते जाते हैं और हमारा सिलेबस उतना का उतना ही रह जाता है। अगर 6 chapters आने थे, हमने सोचा था कि 1 आज कर लेंगे, फिर हम सोचेंगे कि अभी 3 दिन बचे हैं कल कर लेंगे, फिर जो 2 दिन बचे हैं कल कर लेंगे, तो दिन तो कम हो रहे हैं बट हमारा सिलेबस वहीं का वहीं है, तो ये हमारा डर पैदा करता है कि यार अब जब लास्ट में 2-3 दिन बचे होंगे, एज अभी आपका सिर्फ 1 महीना बचा है, पूरे साल में आप ये सोचते रहे कि अभी टाइम है, लेकिन अब जब लास्ट में सिर्फ 1 महीना बचा है तो आप बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे कि यार मेरा सिलेबस कैसे कवर अप होगा, तो आप इसी डर की वजह से लेजीनेस फील करेंगे, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे, यू हैव स्टिल टाइम, जितना भी आपको याद है, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले उसे रिवाइज कीजिए एंड उसके बाद आप न्यू चीज़ों पे, न्यू चैप्टर्स पे, न्यू टॉपिक्स पे जाइए। तो लेजीनेस बिल्कुल छोड़ दीजिए, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, 2 ही दिन होते हैं जब आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान फील करते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हैं, वो 2 दिन होते हैं, एक तो एग्ज़ाम से आने के बाद का टाइम और एक होता है रिजल्ट का टाइम। इन 2 दिनों में आप सोचते हैं यार मैंने पूरे साल में क्या कर दिया, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, पूरे टाइम आपको बिल्कुल कुछ फील नहीं होगा जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, और एक आपका एग्ज़ाम एक्चुअली अच्छा नहीं होगा, अच्छा भी क्या कि आप खुद फील करेंगे कि मैं इससे अच्छा कर सकता था, तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगे एंड उसके बाद टाइम होगा आपके रिजल्ट का, जब आपको बहुत डरे हुए फील करेंगे, बहुत बैड फील करेंगे, सो ये टाइम को वेस्ट मत कीजिए, लेजीनेस छोड़ के आप अपने जो आपने टाइम टेबल, मैंने आपको बताया सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है, उसको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए, बिलीव मी सिर्फ आप 1 महीना इसको फॉलो कीजिए जब तक आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आई एम गारंटीड यू जितना आप में कैपेबिलिटी है करने की आप उतना अच्छा तो पक्का एग्ज़ाम में करके आएंगे, ठीक है, तो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान रखिए। फिफ्थ
और लास्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा डूज है जो आपको करना है वो है आपको करना है क्वेश्चन पेपर सॉल्व। आपको लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके सब्जेक्ट से, आपका इंग्लिश का एग्जाम है तो इंग्लिश का, मैथ्स का, मैथ्स का, वॉट एवर इट इज, वो आपको सॉल्व करना है। उससे क्या होगा, एक तो आपको खुद को पता चलेगा कि जो जो मैंने टॉपिक्स कर लिए हैं, जितना मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो तो छोड़ दीजिए, जो आपका रह गया है जो आपने कंप्लीट कर लिया है उसमें आप तो कितना अच्छा कर रहे हैं, अभी भी क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, इस चीज़ का आपको पता चलेगा। और इसके अलावा एक चीज़ और बेनिफिशियल होगी आपके लिए कि आपकी जो एग्ज़ाम की स्पीड है वो आपको पता चल जाएगी कि आप कितनी स्पीड में अपना एग्ज़ाम कर पा रहे हैं, कितनी जल्दी आप क्वेश्चन समझ रहे हैं, कितनी जल्दी उसका आंसर कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आपको बेनिफिट होगा इस चीज़ से, तो क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ये थे मेरे 5 डूज जो आपको करने हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छा करने के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए और अपनी टेंशन हटाने के लिए। बस ये 5 चीज़ें कीजिए, बिलीव में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टिल यू हैव टाइम, बट नए टॉपिक्स को मत लीजिए, टाइम टेबल बनाइए अच्छे से कीजिए, लेजी मत होइए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। जो जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई है वो ज़रूर कीजिए। तो आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी आपके कलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स या आपके फ्रेंड्स जो भी हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और इस वीडियो में मैं सिर्फ डूज का अवेयर अप कर रही हूँ, इसकी बाद वाली वीडियो में मैं डोंट्स बताऊँगी कि आपको कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले नहीं करनी है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। आप भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, बड़ी बड़ी वीडियो इंटरेस्ट नहीं रहता, तो आप ये डूज बिल्कुल ध्यान में रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी कि क्या डोंट्स हैं जो आपको नहीं करने हैं। इसके लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो भी मैं डोंट्स बताऊँगी एग्ज़ाम के लिए वो भी आप तक पहुँच जाएंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली मैंने थोड़ी सी टेंशन आप लोगों की कवर अप कर दी होगी, थोड़ी सी कम कर दी होगी, तो कोई टेंशन लेने के लिए बात नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर जल्दी से जल्दी कल तक ज़रूर डाल दूँगी डोंट्स क्या क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।